दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पास है पोको का मोबाइल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस मोबाइल को रीसेट कैसे किया जाता है, यानी इस मोबाइल को आप फुल फॉर्मेट कैसे करोगे, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो दोस्तों आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो पोको का, सभी मोबाइल में सेम ही प्रोसेस रहेगा मोबाइल को रीसेट करने का। तो रीसेट करने के लिए फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन होने के बाद यहां पर दोस्तों देखिए अबाउट फोन का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहां पर फैक्ट्री रीसेट का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद एराइस ऑल डाटा का ऑप्शन जो दिखेगा इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके मोबाइल का स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक दोस्तों यहां पर आप अपना डाल दीजिए। डालने के बाद फैक्ट्री रीसेट का दोस्तों जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको सेकंड चलते हुए दिखाई देंगे, तो आपको वेट कर लेना है। उसके बाद यहां पर ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा, नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ओके का ऑप्शन दिखाई देगा और सेकंड चलते हुए यहां पर आपको दिखाई देगा। और यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं तो दोस्तों डाउनलोड फोटो वीडियो गूगल अकाउंट कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ दोस्तों डिलीट हो जाएगा। तो आप सोच समझ के इस मोबाइल को रीसेट करना। अगर कॉन्टेक्ट नंबर बचाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे आप सिम अपने मोबाइल का निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस मोबाइल को रीसेट करना आप, ठीक है। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद जब ओपन होगा तो रीसेट होकर ही ओपन होगा।